आप सब लोग हाय गाइस हाय तो हम लोग आज सेकंड डे होली खेलने जा रहे हैं और आपको मैं दिखा दूँ वो देखिए मम्मी उस सोसाइटी से आ रही हैं वो देखिए दिख रहे हैं आपको तो मम्मी वहाँ से आ रही हैं और गाइस ये दरवीन अच्छा कोई व्लॉग देख रहा है मेरा व्लॉग देख रहा है साड़ियाँ जो आप लोग देख रहे हैं सबने पहनी हुई है ये होली पर ये वाली साड़ियाँ ही चलती हैं और मुझे मम्मी की साड़ी पसंद आ रही थी तो मैंने मम्मी की साड़ी ले ली है और ये हिमानी आ गई है आ जा चलो अब चलते हैं चलते हैं कहाँ चलते हैं यार होली सेलिब्रेट करने कहाँ चलते हैं सेलिब्रेट करने लीला जी ब्यूटी पार्लर के वहाँ हाँ ब्यूटी पार्लर वाली भाभी जो और ये जो लीला भाभी है पार्लर वाली भाभी उनकी बड़ी जेठानी है मतलब और ये जो आप लड़की देख रहे हैं ये गुड़ जो दे रही है ये उरु है और मेरी शादी के टाइम पे उरु और हिमानी सेम ही एज के हैं तो वो काफ़ी छोटे लगते थे बट अचानक से ऐसा लगता है कि ये जल्दी बढ़ गए हैं या मेरी शादी को इतना ज़्यादा टाइम हो गया है तो मैं तो मेरे को लगता नहीं है मेरी शादी को ज़्यादा टाइम हुआ है बट ये बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं ऐसा मुझे फील होता है और ये जो ऊपर देख रही हैं पीछे की तरफ ये इन्हीं की फैमिली में और बिस्तानी आंटी कॉमेडी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं उन्होंने मेरे से फ़ोन लिया और सबके फेस पर जाकर कैमरा लगा रही हैं कि ये लो देखो इनका फेस देखो तुम आ रहे हो करके सबके फेस पे लगा रहे हैं और सब बोल रहे हैं बस हो गया बस अब मत करो पर आंटी इतनी हंसी दिलाती हैं पूरे टाइम कॉमेडी करती हैं वो और अब हम लीला भाभी के घर जा रहे हैं जिन्होंने मेरा मेकअप किया था खुशबू की शादी में और मैं आपको बता दूं मैंने ना बहुत सारी वीडियो शूट की थी मेकअप की जो सारी की सारी उस फ़ोन के साथ चली गई है और मुझे बड़ा दुख होता है और भाभी को भी बड़ा दुख होता है कि हमारी सारी वीडियोज़ उस फ़ोन में चली गई बर्बाद हो गई कि मैंने पहले वाला जो ब्लॉग था उसमें भाभी का नाम गलत लिया था इनका नाम पिंकी नहीं है इनका नाम लीला है जो पिंकी है वो इनकी दौरानी जेठानी जो हैं उनमें से एक का नाम है तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन रहती है तो मैंने इसीलिए इनका नाम पिंकी हो गया था ले लिया था बट इनका नाम लीला भाभी है भाभी के यहाँ हमें मिला मैक्रोनी पास्ता और कोल्ड ड्रिंक और ये हिमानी को पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो यार आराम से लगी हुई है खाने में फिर बाद में बोलती है कि भाभी यार आपने मेरी मुझे बता तो देते मैं वीडियो मैं कैसे खा रही थी ये देखो हिमानी को Hey!
जा रहे हैं बिस्तानी आंटी घर, मतलब प्रियल की दादी या प्रियल की अम्मा के पास। ये आ गए हम। ये शिखा है जो टीका लगा रही है। और ये जो शिखा है मतलब बिस्तानी आंटी की बहू, उसकी और मेरी शादी सेम ईयर और सेम मंथ में हुई थी, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है। और मुझे याद है हम फर्स्ट टाइम हिमानी के घर थे, तो हिमानी के घर हम लोग आए हुए थे, सेम होली ही थी उस टाइम पे भी, और हम होली पे ही मिले थे और आज भी हम होली पे ही मिले हैं। तो अभी प्रोग्राम तो चल रहा है और दूध का टाइम हो गया, तो मैं डुल्लू लेने जा रही हूँ। और देखो मैं दूध भी लेके आती हूँ आज, मैं देखती हूँ कहाँ से मम्मी दूध लेके आती है, तो मुझे पता नहीं है, तो आज दूध लेके आती हूँ। नहीं निकाला होगा अभी। हम लोग आ गए हैं दूध लेने। ये भाभी हैं, दूध कितने जा रहे हैं, भैंसे गाय सब दूध लेते हैं। और ये देखो मनी प्लांट कहाँ तक जा रहा है, इतना ऊपर तक चला गया। ये कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। आपको ना हल्द्वानी में मतलब थोड़ा सा आउटर में ना सब खुले खुला एरिया मिलेगा, मतलब इतने घर कंजेस्टेड नहीं होते जैसे सिटीज़ में होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। देखिए ये जो दो घर बने इनमें भी गैप है, बीच में इधर गैप है, ये सीमेंट का ये दीवार टाइप है और ये वाइट दीवार है, इसमें बीच में गैप है, ये इधर रास्ता है, तो काफ़ी खाली जगह रहती है। आप इन्हीं के घर में देख लीजिए कितनी खाली जगह है।